तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं ना कि एक सलाहकार। मेरा काम केवल रोज नई नई वेबसाइट और कंपनियों की जानकारी देना है क्योंकि आजकल बहुत ठगी चल रही है। तो अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने से पहले कंपनी की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें और जो भी पैसा निवेश करें वो सोच समझ कर करें क्योंकि इससे आपको पैसे की हानि भी हो सकती है। इसलिए पैसा अपनी जिम्मेवारी के ऊपर ही निवेश करें क्योंकि हम आपको किसी भी कंपनी में पैसा निवेश करने की सलाह नहीं देते और ना ही हमारा कंपनी से कोई लेना देना है। हम सिर्फ आपको कंपनी के प्लान दिखाते हैं ना कि आपको पैसा निवेश करने की सलाह देते हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार का भी लॉस या फिर प्रॉफिट होता है तो उसमें सर चैमलम का कोई योगदान नहीं होगा। तो आप जो भी करें अपनी देखरेख सूझबूझ और अपनी जिम्मेवारी पर ही करें। स्वागत है आपका ब्लॉकस्टा इन पावर द फ्यूचर विद ब्लॉकस्टा ब्लॉकचेन। आप यहाँ पर हैं ब्लॉकस्टा के साथ अपने करियर को बहुत अच्छा मोड़ देने के लिए, अपने लाइफ में खुशियां लाने के लिए आपका स्वागत है। ब्लॉकस्टा एक ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है। आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम किसको बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर जो डाटा सेव होता है वो सारा का सारा जो डाटा सेव होता है वो इमिटेबल लेजर में सेव होता है। मतलब जिन ब्लॉक्स में डाटा सेव होता है वो ब्लॉक्स के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि कभी भी वहां पे आपका डाटा लॉस नहीं हो सकता, कभी भी आपका डाटा हैक नहीं हो सकता। लॉस इन द सेंस के हैक, लॉस करेंगे तो आप अपनी गलती की वजह से कर देते कई बार जब आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती। बट ब्लॉकस्टा के साथ ऐसा नहीं होगा बिकॉज इट्स अ यूजर फ्रेंडली प्रोजेक्ट। मैं आगे जाके क्लियर करूंगी कि कैसे एक इनोसेंट यूजर भी, एक फ्रेशर भी जो इस मार्केट के अंदर बिल्कुल नया है, वो भी कैसे इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही बनाएगा, लॉस कभी नहीं होएगा उसका। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसमें डाटा जो है अनएडिटेबल फॉर्म में सेव होता है, कभी भी हैकिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक चीज तो 100% श्योरिटी रहती है, वो चाहे आप किसी भी ब्लॉकचेन, कोई भी प्रोजेक्ट हो ब्लॉकचेन के ऊपर, उसका एक ही चीज रहती है, नो एडिट, नो रीसेट, नो फॉरगेट और नो हैकिंग, राइट? तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो जो है आपस में कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। ये सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है और इससे पहले हम लोग सेंट्रलाइज को समझते हैं तो आपको डिसेंट्रलाइज का वैल्यू अच्छे से समझ में आ जाता है। सेंट्रलाइज का मतलब है कि अधिकार किसी भी एक बॉडी, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होना, उस बॉडी के कहने पे कुछ भी बदलाव हो जाना, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कभी भी मैन्युपुलेट नहीं किया जाता है। रीजन बिहाइंड कि एक किसी व्यक्ति विशेष के कहने से या करने से यहाँ पर चीजें नहीं बदलती हैं, क्योंकि जब भी कोई कोड लिख दिया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर तो उसको बनाने वाला, लिखने वाला डेवलपर चाहकर भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉकस्टा के कुछ की फीचर्स की। ब्लॉकस्टा फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है जो स्पीड को आज ब्लॉकचेन यूज करने वाले इंजॉय कर पा रहे हैं, वही स्पीड आपको हमेशा मिलेगी। जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा, लोग इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तब भी आपको इसकी यही स्पीड मिलेगी। रियल टाइम पेमेंट गेटवे, आप कहीं भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। सस्टेनेबल इकोसिस्टम है, यहाँ पर वो व्यक्ति भी आएंगे जिनको सिर्फ कॉइन चाहिए, होल्ड करेंगे और उसका रिवॉर्ड लेंगे, वो लोग भी आएंगे जिनको इस बिजनेस को प्रमोट करके बिजनेस इनकम लेनी है, वो लोग भी आएंगे जिनको शायद कॉइन भी नहीं चाहिए, बिजनेस भी नहीं चाहिए, वो अपने बिजनेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकस्टा ब्लॉकचेन के साथ बनाना चाहेंगे। तो ये हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, राइट? और जितनी कम्युनिटी यहाँ पर बैठी है उनको तब भी बेनिफिट होगा अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन की वैल्यू बढ़ेगी, प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपके कॉइन्स की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ने वाली है, आपकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ने वाली है। ब्लॉकचेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो आप सारी की सारी जो चीजें हैं वो करते आए हैं जो इंटरनेट के ऊपर, पर कहीं ना कहीं वो सिक्योर वे में नहीं हो रही थी। उसका रीजन ये था कि वहां पे हैकिंग हो सकती थी, वहां पे कोई छेड़छाड़ कर सकता था आपके प्रोजेक्ट के साथ, है ना? लेकिन अगर चीज ब्लॉकचेन के ऊपर है, कोई बिजनेस आप यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो वो चीजें आपकी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस। जो मार्केट में चैलेंजेस आते हैं,
ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, उसमें क्या होता है, फीस बहुत हाई होती है और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं होता। कम्युनिटी बेस्ड का मतलब कि डाओ प्रोजेक्ट नहीं होता, बनाने वाले दो चार लोग ही अपने हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। कई बार लोग प्रॉफिट के बिल्कुल करीब जाके वापस आते हैं, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता क्योंकि डेवलपर की सोच ही वैसी होती है। लेकिन यहाँ पे डाओ प्रोजेक्ट है और कम्युनिटी बेस है, कम्युनिटी के हिसाब से चीजें, पब्लिक के हिसाब से चीजें होंगी। आगे पब्लिक के हिसाब का मतलब है कि जो पब्लिक के लिए बेस्ट होगा, है ना। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ये क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में सारा का सारा डाटा होता है, राइट। यूजर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना नहीं जानते हैं, तो आपके लिए ये गुड न्यूज है कि ब्लॉकेस्टा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे प्रॉफिट देता है। आप आते हैं, स्टेक करते हैं कॉइन को, उसका प्रॉफिट हर मंथ आप एंजॉय करते हैं और लास्ट टाइम पे मेच्योरिटी पे भी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो पक्की है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलता है ट्रेडिशनल मार्केट में, वहां रिस्क भी आपका होता है और प्रॉफिट भी आपका होता है। अगर आपको वहां पे 300% प्रॉफिट मिलेगा तो ये भी तय है कि 100% रिस्क भी आपका होगा। यहाँ पे प्रॉफिट आपको पहले से बता दिया गया कि इतना प्रॉफिट होगा और रिस्क कोई नहीं है, राइट। तो हाई फीस लगती है जब आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं जहां पर आप बहुत रीजनेबल फी देते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नीड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की नीड क्यों पड़ी? बहुत अच्छे से चीजें चल रही हैं, है ना। हमारा जो फिएट करेंसी है हम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो हमें क्यों नीड है, हम क्रिप्टो के अंदर क्यों जाएं? हम आज की बात करेंगे, मैं पुरानी स्टोरी शेयर नहीं करूंगी, हम आज की बात करेंगे कि हमें क्यों नीड है। तो दोस्तों, जैसे जैसे बिजनेस का रूप बदला और दायरा बढ़ता चला गया और वैसे वैसे करेंसी का भी रूप बदलता गया। अब पहले हम लोग बार्टर डील्स करते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो बार्टर डील्स करते थे, है ना। आपस में गांव लेवल पे चीजों को एक्सचेंज कर लिया जाता था और बहुत अच्छे से वो अपना गुजर बसर करते थे। चीजें थोड़ी सी एडवांस हुई, सिटी लेवल तक चीजें चली गई, दायरा बढ़ गया, तो हम लोगों ने किस चीज का इस्तेमाल करना शुरू किया, हमारी जो उस टाइम पे गवर्नमेंट्स थी उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें चमड़े की मोहरे, सोने की मोहरे, चांदी की मोहरे या सिक्के, हमें कॉइन्स हमें प्रोवाइड करवा दिए। जब थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया बिजनेस का, स्टेट लेवल पे चीजें चली गई, तो उन्होंने फिर नोट दिया, नोट इंट्रोड्यूस हुए। बट चैलेंज टू चेंज, कहते हैं ना कि चैलेंज टू चेंज, जब भी एक करेंसी से दूसरी करेंसी तक शिफ्ट हुआ, हर किसी बंदे को वो हैप्पीली एक्सेप्टेड नहीं थी चीजें, हर किसी व्यक्ति को वो चीजें एज इट इज नहीं चाहिए थी। बहुत सारे लोगों का तब भी क्वेश्चन था, जैसे आज क्रिप्टो को लेके भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तब भी था कि यार बहुत अच्छे से चीजें चल रही है, कॉइन समझ में आ रहा, भी ये कागज किसको समझ में आएगा। फिर वहां पे गवर्नमेंट ने लोगों को क्लियर किया था कि जितनी करेंसी हम आपको दे रहे हैं वो सारी बैक्ड बाय गोल्ड है, हम ऐसे फ्री में एवे नहीं बना के रख रहे, राइट। उसके बाद हम लोग आए ऑनलाइन कुछ बैंकिंग प्रणाली के ऊपर, एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल करना शुरू करा, जिसको हम प्लास्टिक मनी बोल देते हैं, है ना। आज भी आप अपने आसपास अपने गांव में देखें, आज भी एक जनरेशन हमारे बीच में ऐसी है जिनको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बिलीव ही नहीं है, उनको लगता है कि शायद वो मशीनों में पैसे ना दे या हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, दे आर नॉट फ्रेंडली। आप आज भी देखेंगे हम उस दौर में हैं कि हमारी एक जनरेशन अभी भी ऐसी है। फिर उसके बाद एटीएम, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें होनी शुरू हुई, तब भी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से नहीं लिया। रीजन, लोगों को लगता था कि कैश पे बहुत सारी चीजें हम लोग आराम से, है ना, बाय कर पा रहे हैं ये चीजें। लेकिन जब कोविड आ गया, जब हमने करेंसी को टच करना बंद कर दिया, वही पेटीएम वाला जब पहले शॉपकीपर के पास जाते थे कि हमारा स्कैनर यूज करो, आप इससे पेमेंट लिया करो, और दुकानदार उसको नमस्ते करके भेज देते कि भाई साहब बहुत सही चल रहा है, उनकी जरूरत बन गई, मजबूरी बन गई कि हम लोगों को वो अपनाना पड़ा,
आज आप देख लेंगे हम किसी ठेले पे भी जाते हैं, हम स्कैनर का यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी की तरफ अपना रुझान, बहुत सारी आज न्यू जनरेशन तो डेफिनेटली क्रेजी है चेंज के लिए, लेकिन बाकी सारे लोग भी इसके बेनिफिट्स को समझते हुए इसकी तरफ आना शुरू हो चुके हैं। आप एक पेमेंट इंटरनेशनल भेजना चाहते हैं, आपका कोई रिश्तेदार है या उनसे पेमेंट मंगवाना चाहते हैं अमेरिका से, सपोज करो आपको ऑन द स्पॉट 10 लाख रुपीज चाहिए, लेकिन आपको चाहिए अभी के अभी, तो कैसे करोगे आप? कई बार चीजों में बहुत टाइम लगता है बड़ी अमाउंट के लिए, क्रिप्टो करेंसी विद इन सेकेंड, कुछ सेकेंड्स लेती है वो बॉर्डर क्रॉस कर जाती है, पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर, विदाउट किसी की इंटरफेरेंस के आप अपने ट्रांजेक्शंस को कर पाते हैं। और आज बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपनी कुछ अमाउंट को यहाँ रखना पसंद करते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये ही एक ऐसी करेंसी है ना, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं वैसे ही गोल्ड की तरह ये एक ऐसी करेंसी है जो हर एक कंट्री में एक्सेप्टेबल है। अगर कोई सिचुएशन आ जाए किसी भी जगह पे, जैसे कि आपने देखा था कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो उस टाइम पे लोग अपना फोन लेके भागे थे सिर्फ घर से, कोई अपनी प्रॉपर्टी गोल्ड इकट्ठा करने नहीं लग गया था। तो फोन में आपके कितनी भी क्रिप्टो पड़ी हो, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां पे आप अपनी उसको विड्रॉ कर सकते हो, आपको आपके पासवर्ड्स पता होने चाहिए। तो ये चीज हम यहाँ पे हमने क्लियर करी कि हमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की नीड क्यों पड़े। थोड़ा सा और रिलेट करा देती हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट की रॉन्ग डिसीजन की वजह से या बैंक के किसी भी रॉन्ग डिसीजन की वजह से आपके प्रॉफिट सेक्रीफाइस ना हो, इसलिए भी आप इस करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसमें आप एंटर कैसे होते हैं। इसमें आप एंटर होते हैं यूएसडी को और बीसीसी कॉइन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और इस तरीके से आप अपना स्टेकिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे टेन्योर कौन सा होगा वो आपकी चॉइस है। आप थैंक यू सो मच विकी सर, थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ पे हैं, इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी, थैंक यू सो मच सर। तो आप यहाँ पे टेन्योर जो चूज करते हैं वो आपका आपकी चॉइस है। आपको 12 महीने के लिए प्रॉफिट चाहिए तो आप 12 महीने का टेन्योर चूज करते हैं, आपको 24 महीने के लिए प्रॉफिट चाहिए आप 24 महीने का टेन्योर चूज करते हैं, 36 मंथ के लिए प्रॉफिट चाहिए तो 36 मंथ के लिए आप अपना टेन्योर चूज करते हैं। ये आपकी टोटली आपकी चॉइस होती है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर, अगर आप मेरे से पूछें, मैं नए दोस्तों से बात कर रही हूँ, अगर आप मुझसे पूछें कि महाराज जी आप क्या करोगे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने 36 मंथ वाले टेन्योर को जरूर चूज करना, मतलब कुछ अमाउंट अपना 36 मंथ में भी रख लेना। फिर उससे क्या होगा, कई बार हमें लगता है कि 12 महीने जल्दी है ना कवर अप कर लेंगे, ट्रायल बेस पे कई लोग आते हैं, अगर आप ट्रायल बेस पे भी प्रोजेक्ट में आ रहे हो ना तो 36 महीने वाला बहुत सही रहेगा। उसका रीजन बताती हूँ, आपका लगभग 1 साल के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जितने डॉलर्स का आपने स्टेक लगाया था, वो आप उसको निकाल लेते हो इन शेप ऑफ जो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद आपको सिर्फ प्रॉफिट ही है फिर जो भी है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपने को फिर रिस्क फ्री भी फील करते हो, अदरवाइज रिस्क कोई नहीं है, बट अगर आपको कभी कभार लगता है कि ऐसा हो सकता है कुछ, तो आप अपना ये 36 मंथ वाला टेन्योर जो है वो चूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट एक और भी है, इसका बेनिफिट ये है कि जो बिजनेस में है पर्सन, उसको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं 36 महीने तक, वो मैं आगे जाके आपको अगली स्लाइड पे क्लियर करूंगी। तो आगे हम लोग बात करते हैं टोटल सप्लाई, ये ना एक बहुत बड़ा पैरामीटर भी है फ्रेंड्स। जब भी आप इस वर्ल्ड, क्रिप्टो वर्ल्ड में उतरते हैं, तो इतना ग्लैमर है मार्केट के अंदर, कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आता किधर जाएं, किसके साथ जाएं और क्या करें। तो इसमें आपकी एक हेल्प कर सकती हूँ, वो क्या हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि फैसला तो आपका होगा, लेकिन अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको एक हेल्प कर सकती हूँ। वो क्या है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में कदम रखते हैं, आप उसका सबसे एक बेसिक चीज पहले पता करें कि वो किस ब्लॉकचेन पे है, वो कैसी ब्लॉकचेन पे है। आप वहां से सेटिस्फाइड होते हैं, उसको स्टडी करके निकलते हैं, तो दूसरा काम आपको क्या करना है, इसकी सप्लाई कितनी है, 100 करोड़ तो नहीं, 20 करोड़ तो नहीं, 200 करोड़ तो नहीं, 500 करोड़ तो नहीं,
ये चीजें आपको वहां पे देखनी है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी सप्लाई लेके कोई प्रोजेक्ट आ गया आपके बीच में, है ना, आपको बहुत बड़ा ग्लैमर दिखा दिया, पर आपने वो चीज क्रॉस चेक नहीं करी कि प्राइस कैसे बढ़ेगा, इतनी बड़ी सप्लाई कैसे प्राइस बढ़ेगा। हम लोग आज क्रिप्टो का मतलब, कई लोगों को लगता है कि क्रिप्टो मतलब कि बिटकॉइन, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे आसपास अभी भी गांव में बहुत इनोसेंट ऐसे लोग हैं, मतलब मारुति कार एक ऐसी कार रही है कि आज भी कई लोगों के लिए कोई भी गाड़ी ले जाओ उनके लिए मारुति है। मैं इनोसेंट लोगों की बात कर रही हूँ जिनको गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है, है ना। तो अगर हमें बिटकॉइन ही पता है, क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन, तो आप उसकी सबसे पहले सप्लाई देखो, फिर आप ये देखो कि उसका प्राइस कहाँ गया। जिस प्रोजेक्ट की सप्लाई लिमिटेड होगी वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, क्यों, क्योंकि वो जनरेशन पे काम करेंगे, वो डेवलपमेंट पे काम करेंगे। जो बहुत बड़ी सप्लाई वाला प्रोजेक्ट होगा वो सिर्फ रोटेशन पे काम करेगा, लोगों का पैसा आता जाएगा, पुराने लोगों को जाता जाएगा, पैसा आना बंद और लोगों को पैसा देना भी बंद कर देंगे, क्योंकि वो रोटेशन बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक पैरामीटर भी है, राइट। पैरामीटर माने कि किसी बंदे को बुखार लग रहा है, आपने उसकी बॉडी को टच कर लिया कि तुम्हें तो फीवर लग रहा है, लेकिन वो कितना है वो कौन बताएगा, वो थर्मामीटर से पता चलेगा, है ना, कि कितना फीवर है। तो ये इट्स काइंड ऑफ थर्मामीटर है ना टेक्नोलॉजी का, कि ये कैसा प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में क्या चीजें दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके, जो हमने आईसीओ किया था इसके अंदर, जो फर्स्ट आईसीओ हमारा फेस वन गया वो आधे डॉलर पे गया, और हमने इसमें 5 लाख कॉइन्स जो हैं वो प्राइवेट सेल में दिए। उसके बाद हमारी बाकी की सारी सप्लाई जो गई वो गई पब्लिक सेल के लिए $1 पे, और इस प्रोजेक्ट ने कभी भी कोई चीजें हिडन नहीं रखी हैं। मैं आगे चल के आपको एक होमवर्क दूंगी जो आपको करना है, जब आप उस होमवर्क को रीड करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है और प्रोजेक्ट के साथ मेरा फ्यूचर क्या है। तो अभी चलते हैं हम लोग, यहाँ तक तो मेरी बात थी कि हम एज अ इन्वेस्टर प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। अब आगे चल के हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा है, बढ़िया है, और मैं इसको प्रमोट करके बिजनेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना है। तो सबसे पहले ये सारे जो आपको दिखाया है ना, एक्टिव डायरेक्ट बीसीसी आईडी टू ओपन लेवल्स, 20 लेवल्स ओपन करने के लिए आपको 20 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना है, मतलब कि 20 विड्थ आपको 20 डेप्थ का प्रॉफिट दिलवा सकती है। बहुत ही सुंदर ग्राफ बनेगा आपका, राइट। आपको कुछ लोगों को अपने साथ जोड़कर, 20 लोगों को अपने साथ जोड़कर उनकी हेल्प करना शुरू करना है, उनको सिखाना शुरू करना है और अपनी 20 डेप्थ क्रिएट करनी है, राइट। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा आगे चल के समझेंगे। अगर ये स्लाइड पे कंफ्यूजन हो जाए, यू कैन आस्क मी अगेन कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, हम उसको वापस से क्लियर करेंगे। इस स्लाइड को जस्टिफाई करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की हेल्प लूंगी। अब ये इसको आप एक टीम मान के चलेंगे, ये देखिए इसमें आपको लेवल इनकम मिलती है। अब लेवल इनकम क्या है, फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट लेवल मतलब जो बंदा आपने बिल्कुल अपने डायरेक्ट जोड़ा, चाहे वो आपकी एक लेग में हो, दोनों लेग में हो, तीन में हो, चार में हो, पांच में हो, चाहे 20 लेग्स में, आप डायरेक्ट पहली जनरेशन में कोई भी व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको 10% उसका प्रॉफिट मिलेगा, राइट। वो जितने डॉलर का भी स्टेक लगाते हैं उनको, उनका आपको 10% मिलता है। सेकेंड जनरेशन में आपको 6% मिलेगा, थर्ड पे आपको 4% मिलेगा। तो ये सारा का सारा जो आपका 20 लेवल का इनकम है, ये आप देख पा रहे हैं, 20 डेप्थ या 20 जनरेशन बोल लो, है ना। पहला बंदा फर्स्ट जनरेशन हो गया, जो उसके नीचे सेकंड बंदा लगा वो सेकंड जनरेशन हो गया, जो थर्ड बंदा लगा वो थर्ड जनरेशन हो गया, थर्ड डेप्थ हो गया। आप इसको इस तरीके से समझेंगे। आपने ये एक टीम को समझ लिया, अब आप एक चीज को ध्यान रखें, अगर आपके पास 10 टीम डायरेक्ट हैं, बिल्कुल डायरेक्ट विड्थ में, राइट, और आपकी 15 लेवल जहां पर आप देख पा रहे हैं 0.5% तक का प्रॉफिट आप ले पा रहे हैं, तो आपने 15 लेवल नीचे तक आपका बिजनेस जो है वो हो गया, एक टीम में, दो टीम में, चार टीम में हो गया। लेकिन आप प्रॉफिट कितना ले पाओगे, जितनी आपने विड्थ ओपन करी है आप उतनी का प्रॉफिट ले पाओगे परसेंटेज में, इस रिवॉर्ड इनकम में।
तो आपने फटाफट से क्या करना है, मायने नहीं रखता कि आप कितने डॉलर से उनको ज्वाइन करवाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करवाते हैं। तो आप फटाफट से अपने क्राइटेरिया को कंप्लीट करके टीम की हेल्प करना शुरू कर देना, उनका क्राइटेरिया कंप्लीट कराने पे। फिर अपने बारे में नहीं सोचना, आप उनका हेल्प करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपके लेवल्स अपने आप कंप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। आई बिलीव कि आप इसको समझ पाए, ये आप एक टीम समझेंगे। इसी तरीके से 20 टीमों की 20 डेप्थ को आप इसी तरीके से बना सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। ओवरराइड बोनस, अब मैंने एक बात करी थी 36 मंथ वाली, एक मैसेज आया है बहुत लंबा चौड़ा सा, इज एनी, ओह थैंक यू सो मच रामकरण सर, मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा और भगवान ने मुझे वो शफा दी मेरे शब्दों को, थैंक यू सो मच। अब एक मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि बिजनेस में है ना 8% वाला जो मैं आपसे शेयर कर रही थी, अब इसको समझते हैं क्या है। सपोज करिए आप आए इस मार्केट के अंदर और आपका जो फर्स्ट बंदा ही था ना उसने $5,000 का स्टेक लगा लिया 36 महीने के लिए, और $5,000 का उसने 36 महीने के स्टेक लगाया तो उनको उसका 8% रिवॉर्ड हर महीने मिलेगा, है ना। $5,000 का 8% कितना होता है, फटाफट से कैलकुलेशन निकालेंगे, आज बड़े टाइम के बाद हमने टेस्ट लेना शुरू करा है, फटाफट से 8% $5,000 का कितना बनेगा, फटाफट से फटाफट से फटाफट से पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग कि आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया $5,000 पे, तो उनको हर महीने वो 36 महीने के लिए उन्होंने स्टेक लगा दिया $5,000, डेफिनेटली प्रवीण जी 400 400 जैसा मर्जी $400, अब उनको $400 आ रहा है। अब आपको हर महीने क्या मिलेगा, आप इस स्लाइड को देखें, उनको जो स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है $400 उसके ऊपर आपको 8% मिलेगा। अब ये कितना हो गया, आप इस प्रोजेक्ट के में ना एक देखिए मजे की बात देखो कितनी है, कितने डॉलर हर महीने आपको मिलेंगे, कितने डॉलर हर महीने मिलेंगे, डेफिनेटली $32 राइट। तो अब आप एक चीज देखिए, एक व्यक्ति खुद उसने अगर छोटा स्टेक भी लगाया है, अब किसी के स्टेकिंग रिवॉर्ड के ऊपर आपको कितनी हैंडसम इनकम मिल रही है, हर महीने $32। और आप ये सोचो, भगवान करे अगर वो 20 के 20 लोग ऐसे हो, 20 के 20 लोग पांच, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, विजन क्लियर करा के आप उनका स्टेक लगवा सकते हो, अगर वो 20 के 20 लोग ऐसे हो जो इतना कर ले, तो $640 आपको हर महीने, मैं बता सकती हूँ कि कितनी बड़ी इनकम होती है, कितनी बड़ी इनकम। आपने ऐसी कैलकुलेशन लगाया करो, मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप नोटबुक के ऊपर ना कोई चीजें लिखते हो उससे दो चीजें होती है, सबसे पहले आपका विजन क्लियर होता है, दूसरा आप एक यूनिवर्स को मैसेज देते हो कि आपने क्या, आपको क्या अचीव करना, तीसरा आपके सामने वो ग्राफ बन जाता है, वो ड्रॉ कर लेते हो आप चीज, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है। साल की शुरुआत हो चुकी है, आप अपना बनाए कि मैं अपने फर्स्ट 20 लोगों, चाहे वो कितने भी पुअर बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आता हूं, मैं उससे इतना काम करवा के प्रॉफिट दिलवा दूंगा कि मैं उसका 5,000 का स्टेक लगवा दूंगा इतने टाइम में। और 20 लोग, दो कहते हैं ना भी, एक पंथ दो काज, हमारे पंजाबी में ये चीज बोली जाती है ना, या फिर हम लोग बोले एक तीर से दो निशाने। अगर आप थोड़ा आप सोचिए कि कितने लोगों का भला हो रहा है इससे, आपका तो होगा ही, उनका भी होगा, है ना। तो ये चीजें सबसे पहले दूसरों के लिए सोचना फिर पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज मैं इसलिए क्लियर करती हूँ, कहते हैं ना कि आपको अपने हाथों पे मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप दूसरों के हाथों पे मेहंदी लगाना शुरू कर दो, आपके हाथ अपने आप ही खुशबू से भी भर जाएंगे और आपके हाथों पे मेहंदी भी लग जाएगी। तो ये वैसा काम है ओवरराइड बोनस, है ना, किसी के बोनस के ऊपर आपको बोनस मिलना, ये कितनी खूबसूरत बात है। और एक जनरेशन पे नहीं मिलता भाई साहब, ये 10 लेवल तक मिलता है, 10 जनरेशन तक मिलता है आपकी डेप्थ में।
तो ये विजन को थोड़ा सा क्लियर करना है हम लोगों को, ड्रॉ करना है अपनी सुंदर सी नोटबुक ले पे, उस पे ड्रॉ करना है कि मुझे क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टीम बिजनेस रिवॉर्ड। अब टीम बिजनेस रिवॉर्ड को हम लोग ये भी समझते हैं कि मैचिंग इनकम, जैसे कि एक लेफ्ट में और एक राइट में, है ना, ए टीम और बी टीम, लेफ्ट टीम और राइट टीम, या फिर माहिरा मैम ने तो बोला है कि 20 टीम, तो कैसे करेंगे एक बड़ी टीम। ऐसे ऐसा होता ही है कि 20 टीम में से आपकी कोई ना कोई बड़ी टीम निकल जाएगी। आपकी 20 टीम नहीं है शुरू में, 5 टीम है, 10 टीम है, कितनी भी टीम है, एक बड़ी टीम और बाकी का सारी मतलब के छोटी छोटी टीम का बिजनेस मिला के जो मैचिंग बनेगा उसको हम बोलेंगे। अब 5,000 USD की मैचिंग करी और आपने कितना प्रॉफिट लिया, $200। और यस, यहाँ पे बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है, जो लोग आपको हमेशा कमुलेटिव बोल के ले आते हैं अपने साथ, वो कमुलेटिव होता नहीं है, दिखाने के लिए होता है खाली, ये प्योरली कमुलेटिव यहाँ पे चीज है। $5,000 का प्रॉफिट एंजॉय कर लिया, सिर्फ 5,000 को और करके टोटल $10,000 के मैचिंग पे आप $400 का प्रॉफिट लेते हैं। सिर्फ 15,000 का और करके आप $25,000 की मैचिंग लेते हैं, तो 3.25 करोड़ के लगभग, मैं लगभग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डॉलर के रेट में फ्लक्चुएशन रहता है, राइट। तो 3.25 करोड़ के लगभग आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीम बिजनेस रिवॉर्ड हासिल करते हो। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में कई बार इतने पैसे किसी अच्छे रैंक पे भी जाके नहीं कमा पाता, है ना, जितना आप सिर्फ एक एक सेगमेंट से कमा सकते हैं। फोकस कर लें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप 2 साल में 3 साल में 4 साल में अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि जी हमारे बड़े लीडर्स हैं वो तो बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे, तो मैं नहीं, आप भी पीछे नहीं रहेंगे, आप लगे रहिए, आप अचीव कर लेंगे, राइट। फोकस रखिए कि मेरे को ये इनकम इतनी लेनी है। नेक्स्ट, क्लब इनकम, ये एक क्राइटेरिया है, उसको अचीव करके आप ये भी 6 लेवल तक इनकम ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रोड मैप। हमारे जो न्यू गेस्ट हैं, जो न्यू दोस्त हैं हमारे साथ, सर आपको ये होमवर्क करना है, रोड मैप, ठीक है ना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं स्लाइड्स पढ़ के आपको बता दूं और, है ना, इट्स नॉट अ मतलब क्लासरूम टाइप। आपको ये इस पे खुद होमवर्क करना है, आपको स्टडी करना है, ये आपको कॉन्फिडेंस भरेगा कि प्रोजेक्ट ने जो चीजें कही है वो टाइम पे होती चली गई है और जो चीजें ये है ये हो जाएंगी, और अगर ये हो गई तो प्रोजेक्ट किस लेवल पे होगा, ये आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको अपने सीनियर की हेल्प से चीजों को रीड आउट करके प्लान आउट करेंगे। ओके, हाँ जी, मैं लेती हूँ मैसेजेस, कुछ मैसेजेस और है मेरे पास। हमारे जो वॉलेट पार्टनर्स रहेंगे वो आपके सामने हैं, इसमें से कुछ की सर्विसेज को आप एंजॉय कर पा रहे हैं, इकोसिस्टम के अंदर बीसीसी डेस्क की आप सर्विस एंजॉय कर पा रहे हैं। हम ये सारी एक्सचेंजेस पे टाइम बाय टाइम जो है वो लिस्ट होते चले जाएंगे, P2B पे हम इस टाइम पे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5% सप्लाई बर्न, ये एवरी मंथ विड्रॉल जितना भी रहेगा उसका 5% बर्निंग में जाएगा, या फिर मैं थोड़ा सा आसान भाषा में बता दूं, जो 1 करोड़ 70 लाख की सप्लाई रखी गई है 10% जो है वो बर्न हो जाएगा। और बर्निंग का प्रोसेस जो है वो गुड न्यूज वाला प्रोसेस रहता है, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्वाइन कैसे वॉलेट में चले जाते हैं जहां से कभी बाहर नहीं निकाले जा सकते, बाहर नहीं आ सकते। हमारा जो कम्युनिटी इस टाइम पे जो बिजनेस है वो आपके सामने फ्लैग्स के साथ बताया गया है। हम लोग USA में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, चाइना में हैं, इंडिया में हैं, और जैसे कि मैं अभी एक मैसेज पढ़ पा रही हूँ, जी अमरजी, थैंक यू सो मच अमर सर। और अंकल तो कह रहे हैं पूरा वर्क प्रोजेक्ट कर रहा है जी, सिर्फ घर बैठे बैठे मीटिंग ज्वाइन करवाना है जी, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते, डेफिनेटली डेफिनेटली रामकरण सर आप सही बोल रहे हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना आता, आप शाय फील करते हो, तो हम लोग बैठे ना यहाँ पे, सिर्फ आप किसी भी कंट्री से बंदे को उठा के इस सेशन तक ले आइए, सिर्फ 30 मिनट, क्या आप इतना कर सकते हैं? आप यहाँ पर ना बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग्स जो हैं ये देख देख पाएंगे और वो आपकी बदौलत होंगे,
आप सोच के देखिए कि वो कितनी बड़ी खुशी की बात होगी उन लीडर्स के लिए जिनकी वजह से यहाँ पे यूएसए का फ्लैग दिख रहा है हमें, साउथ अफ्रीका का फ्लैग दिख रहा है हमें,